तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास एक इनकमिंग कॉल आया है, यहाँ पर सिर्फ नाम दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आप भी अगर चाहते हो कि मेरे फ़ोन पर कहीं से कोई कॉल आए तो नंबर ना दिखे, सिर्फ नाम ही नाम दिखे, तो दोस्तों आप भी अपने फ़ोन के अंदर में इस सेटिंग को कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हमारे फ़ोन पर कोई प्राइवेट कॉल होते हैं जो हम किसी को अपना नंबर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उस वक्त हम इस सेटिंग को कर अपने फ़ोन को हम रख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि जब हम अपने फ़ोन को चार्ज पर मान लीजिए रख लिए हैं और चाहते हैं कि हमारा अगर वह प्राइवेट कॉल आएगा तो कोई भी हमारे नंबर को देख लेगा, उसको नोट कर लेगा, और आप चाहते हो कि नहीं हमारा फ़ोन कहीं भी रहे तो फ़ोन जब आवे तो सिर्फ नाम दिखे, नंबर ना दिखे, कोई भी मेरा नंबर उस फोन नंबर को ना ले पाए, तो आप अपने फोन के अंदर में यह सेटिंग कर लोगे ना, तो सिर्फ आपके फोन पर किसी का भी कॉल आएगा तो उसका नाम शो होगा, नंबर नहीं शो होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने फोन के अंदर में इस सेटिंग को करोगे। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो, जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, और हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है देखिए दोस्तों ACR फोन। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिलेगा आपको। ACR फोन नाम से यह एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन आएगा, सेटअप पर क्लिक करना है। पहले से आपके फ़ोन डिफॉल्ट पे सेट होगा, तो अब आपको ACR के ऊपर में सेट कर सेट ए डिफॉल्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो कोई जीमेल आईडी को कहेगा सिलेक्ट करने के लिए। अगर जीमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इसकी फोर नो का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ भी इसकी फोर नो का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। उसके बाद में सेट ए ब्लॉकर का ऑप्शन है, यहाँ भी स्किप यहाँ तरह से कर देना। करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर टैप करने के लिए कहता है, जहाँ जहाँ टैप करने के लिए है वहां वहां टैप करना। जैसे टैप करोगे दोस्तों तो देख सकते हो कि यहां पर कोई भी मोबाइल नंबर आपको शो नहीं होगा। जब आपके नंबर पर किसी का भी कॉल आएगा तो इस तरीके से आएगा, सिर्फ नाम शो होगा, नंबर शो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर में कुछ सेटिंग को करना होगा। इन सेटिंग को कर लेते हो उसके बाद आपको आपके फोन पर किसी का भी फोन आता है तो दोस्तों वहां पर जो है नंबर शो नहीं होगा। तो करना क्या है, यहां पर देखो कि कोने में थ्री डॉट है, आप लोगों को इस थ्री डॉट के ऊपर में क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा, सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहां पर फोन नाम की एक सेटिंग है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर में दोस्तों क्लिक करोगे, यहां पर दोस्तों कॉल सेटिंग का एक ऑप्शन है, इस कॉल सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों कॉल सेटिंग पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को इस तरीके से स्क्रोल करते हुए नीचे की ओर जाओगे तो यहां पर दोस्तों क्या देखोगे कि यहां पर एक ऑप्शन है शो कॉन्टैक्ट नंबर इन कॉल। अगर आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट नंबर शो हो तो यह बटन को ऑन रहने देना है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं होना चाहिए, इस बटन को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद में यहां पर दो ऑप्शन और हैं जो पहले से ऑन है, इसको भी आप लोगों को इस तरीके से ऑफ कर देना है, यानी कि यह तीन बटन आप लोगों को ऑफ कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को यहां पर इस तरीके से नीचे की ओर आओगे, यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हो आंसर डिस्क्लीन बटन स्टाइल का, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर मॉडर्न पर आप लोगों को सेट कर देना है। यह सेटिंग करने के बाद में अब आप लोगों को यहीं पर कॉलर इंफॉर्मेशन लेआउट का ऑप्शन है, इसके ऊपर में आप लोगों को टैप करना है। इसके ऊपर में आप लोगों को टैप कर यहां पर आप लोगों को डिफॉल्ट पर यहां पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहां पर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन नाम की सेटिंग यहां पर मिलेगी, इस तरीके से बैक होकेंगे आप लोगों के यहां पर नोटिफिकेशन सेटिंग नाम की एक सेटिंग है, इसके ऊपर में आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में यहां पर आप लोगों को यहां पर देखेंगे इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन स्टाइल है, इसके ऊपर में क्लिक कर
फुल स्क्रीन पर सेट कर देना है। इससे दोस्तों कभी भी किसी का कॉल आएगा तो फुल स्क्रीन में डिस्प्ले शो होगा और कोई सेटिंग आप लोगों को नहीं करना है। डायरेक्टली अब आपको कट कर देना है। अब हम अपने दूसरे फ़ोन से इस पर कॉल कर दिखाते हैं कि जब भी किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पर दोस्तों नंबर शो नहीं होगा, सिर्फ नाम शो होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले पर एक कॉल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ नंबर नहीं दिख रहा है, सिर्फ नाम दिख रहा है। अब हम यहाँ कॉल को उठाते हैं तो देखिए दोस्तों कॉल उठाने के बाद भी यहाँ पर कोई भी नंबर शो नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप चाहते हो तो यह सेटिंग कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।